तो जय हिंद। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद होगा अच्छे होंगे। स्वागत है आपका एक नए सफर में, और स्वागत करते हैं आपका पंजाब के चंडीगढ़ से। और आज हम आपको ट्रेन जर्नी नहीं बल्कि एक बस की जर्नी दिखाने वाले हैं। तो आज हम आपको ले चलेंगे चंडीगढ़ से और शिमला तक, और ये अपना फर्स्ट टाइम बस जर्नी है। अभी तक तो आपने ट्रेन की जर्नी देखी होगी, लेकिन आज तो भाई लोग अगर आप भी चंडीगढ़ से शिमला जाना चाहते हैं तो आपको चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन से उतर के और मात्र 20 रुपया किराया लगेगा, और 20 रुपये में आप सेक्टर 43 ISBT आइएगा। ISBT से आपको शिमला के लिए हर आधे घंटे पे बस मिल जाएगा। तो यही थी जानकारी, बाकी चलते हैं। पीछे देख सकते हैं आप लोग, अपनी सारी बसें लगी हुई हैं। हिमाचल रोडवेज, पंजाब रोडवेज, चंडीगढ़ रोडवेज, सारी बसें आपको मिल जाएगी। तो चलते हैं और आपको किराया बताते हैं क्या है इसका किराया, और फिर आपको जर्नी। और भाई लोग, आपको ISBT आके आपको 30 नंबर काउंटर पे आना होगा। 30 नंबर काउंटर आपको दिख रहा होगा, यहाँ से आपको हिमाचल की सारी बसें मिल जाएगी। शिमला जाना हो, सोलन जाना हो, या धर्मपुर जाना हो, कसौली जाना हो, हर जगह के लिए बसें आपको मिल जाएगी। तो आप 30 नंबर काउंटर पे आइएगा और यहाँ से आपको हर जगह के लिए बसें मिल जाएंगी। ISBT 43 से निकलते हुए अपनी बस भाई, अपनी जर्नी का शानदार शुभारंभ होते हुए बस की जर्नी का पहली बार आप लोग देख सकते हैं शानदार नज़ारा। ISBT 43 सेक्टर से निकलते हुए अपनी बस शिमला के लिए। तो भाई लोग, हमने ले लिया है टिकट, आप लोग देख सकते हैं। ये टिकट को पड़ा 240 रुपये मात्र। तो 240 रुपये में आप लोग चंडीगढ़ से शिमला जा सकते हैं, जो काफ़ी चीप और बेस्ट है। और अगर आप वॉल्वो से जाते हैं तो उसका किराया आपको 450 लगेगा। तो 450 से बढ़िया है कि आप हिमाचल रोडवेज या हरियाणा रोडवेज या फिर पंजाब रोडवेज से जाएं, 240 रुपये में आप शिमला पहुंच जाएंगे। तो काफ़ी अच्छा ऑप्शन है देखा जाए तो। ये देख सकते हैं, हमने हिमाचल रोडवेज का काफ़ी इंतज़ार किया, लेकिन हमको हिमाचल रोडवेज नहीं मिली। इसकी वजह से हम लोग इस समय जा रहे हैं हरियाणा रोडवेज। वेलकम टू स्मार्ट सिटी चंडीगढ़। स्मार्ट सिटी है, और समय देख लीजिए दोस्तों, 5 बजने को हैं और 5 बजे अपनी बस निकली है। और देखते हैं कब तक हम लोग पहुंचते हैं हिमाचल। भाई लोग, अभी समय हो रहे 6:30 बज रहे, और पीछे का नज़ारा आप लोग देख सकते हैं पहाड़ों का। और इस तरफ हम लोग रुके हुए हैं ढाबे पे अभी, और चंडीगढ़ से चलने के साथ ही अपना पहला स्टॉपेज है, पहला हॉल्ट है यहाँ पे। अभी 10 मिनट के लिए खाने पीने के लिए अपनी बस रुकी हुई है, जिसका जगह का नाम है सनवारा। तो सनवारा में यहाँ पे अपना पहला हॉल्ट है, और चलते हैं कुछ खाने पीने का लेते हैं। बाकी पीछे खड़ी है अपनी बस, देख सकते हैं, और उस साइड। तो चलते हैं कुछ खाने पीने का लेते हैं, उसके बाद निकलते हैं शिमला के लिए। और ये देखिए दोस्तों, बैक कैमरे से ढाबे का नज़ारा जहाँ हम लोग रुके हैं चाय नाश्ते के लिए। ये है मानसरोवर ढाबा। तो यहाँ पे लंच स्नैक्स वगैरह लेते हैं, उसके बाद देखिए जी मानसरोवर ढाबे पे अपने चाय आ गई एकदम गर्मा गर्म। चलिए पीता है गर्मा गर्म, ठंडियों के मौसम में चाय मिल जाए ना तो भाई मज़ा आ जाता है। काफ़ी बढ़िया चाय है, और ऊपर से बारिश भी होने लगा है। बारिश भी हो रहा है।
चलिए फटाफट से चाय पीते हैं और निकलते हैं। बाकी नज़ारा देख सकते हैं, काफ़ी बढ़िया मौसम है ठंड के मौसम में चाय का आनंद लेते हुए। और भाई ये अपनी पहली बस जर्नी है। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के डिमांड पे ही जैसा बताएंगे वैसी जर्नी आती रहेगी। तो चलिए मिलते हैं। माल रोड जाने वाले यही उतरे यार, कोई नहीं आगे आगे से स्टेज। तो भाई लोग रात के 9 बज चुके हैं और हम लोग आ चुके हैं अपने शिमला पुराने बस अड्डे पे। देख सकते हैं हमारी बस लगी हुई है और पीछे चारों तरफ बसों का नज़ारा देख सकते हैं। और भाई साहब यहाँ आते ना हम लोग जिस तलाश में आए थे उसकी तलाश पूरी हुई। यहाँ पे आते ही मतलब बर्फ़ की बूंदें गिरनी शुरू हो गई है। सुबह तक हो सकता है आपको पूरा बर्फ़ का नज़ारा दिखने को मिल जाए। तो चलिए दोस्तों यहीं पे इस बस वाले जर्नी का एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं छोटी सी जर्नी आपको पसंद आई होगी, और पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिएगा। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद।